नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट 100 mg और 200 mg इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, यूजेस बताऊंगा और इसके डोज बताऊंगा और ओवरडोज के बारे में बात करूंगा और साइड इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर। इस चैनल पे दवा संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर आप भी किसी दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप जीरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा घर के चैनल पे कमेंट्स बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपका आंसर दिया जाएगा, मिलेगा। तो आपको बताऊं कि हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन क्या है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली मेडिसिन इंजेक्शन है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन एक कोर्टिको स्टेरॉइड ड्रग है और हाइड्रोकोर्टिकोसोन इंजेक्शन एक ग्लूको स्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है और हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन कोर्टिको स्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है और शरीर में सूजन को रोकने का कार्य करता है। ये हुआ आपका हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। तो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन सूजन और एलर्जी पैदा करने वाली ब्लड सेल की संख्या को कम करके सूजन और एलर्जी को रोकता है और उसका इलाज करता है। ये हुआ डिटेल आपके हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में। अब आपको बताऊं इसके यूजेस कहां कहां होते हैं। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसका यूज है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अस्थमा अगर किसी को है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। सोरायसिस में यूज होता है, एक्जिमा में यूज होता है, डर्माटाइटिस में यूज किया जाता है। आंतों में सूजन मतलब इंटेस्टाइन में अगर स्वेलिंग है तो भी इसका यूज किया जाता है। और लो आरबीसी, अगर किसी का आरबीसी लो हो गया है, प्लेटलेट्स लो हो गए हैं, तब भी इसका यूज किया जाता है। और पाइल्स में भी इसका यूज है, गाउट में इसका यूज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका यूज है, ओस्टो आर्थराइटिस में इसका यूज है, लीवर इन्फ्लामेशन में इसका यूज है और सेप्सिस में इसका यूज है और ल्यूपस में यूज है, कैंसर में यूज किया जाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका यूज होता है और कीड़े मकोड़े थोड़ा बड़ा जो काट लेते हैं उनके कारण जो एलर्जी होती है उसमें भी इसका यूज है। और इसमें जो है इन्फ्लामेशन डिसीज में भी इसका यूज है। तो ये हुआ यूज से संबंधित जानकारी हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट के बारे में। अब आपको बताऊं इसका डोज तो डिपेंड करता है इंजेक्शन का कि ये IM या IV दोनों चलाया जाता है, व्यक्ति को लगता है। लेकिन इसका जो रोल है, इसका जो यूज है, वो तो आपको ये करना पड़ेगा कि एज और वजन और आपके रोग की स्थिति क्या है उस पे डिपेंड करेगा। इसका डोज मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो डोज मेंटेन करेंगे फार्मेसिस्ट या जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं वो बताएंगे। तो ये डोज हुआ। अब आपको बताऊं कि इसके ओवरडोज, अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो ट्रबल ब्रीथिंग होती है, मतलब ज्यादा ब्रीथिंग होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये इसका ओवरडोज होने पर होता है। और अब आपको बताऊं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट में इसमें क्या है, त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, आपकी स्किन पर चकत्ते पड़ सकते हैं, चेहरे पर सूजन आ सकती है और सूखी खोपड़ी हो सकती है, मतलब रूसी टाइप का ज्यादा हो सकता है, मुहासे भी हो सकते हैं और चेहरे पर लालिमा हो सकता है, लाल चेहरा हो सकता है, सूजन हो सकती है और स्टोमक अपसेट हो सकता है और हेडेक हो सकता है और डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है और महिलाओं में
पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो डिसबैलेंस हो सकता है या वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं इसमें। और इसमें जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे दर्द हो सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हुए। अब आपको बताऊं कि इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है। ड्रग इंटरेक्शन मतलब अगर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन आप ले रहे हैं, आपको लग रहा है, तो आप कौन सी मेडिसिन इसके साथ में नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपको हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लग रहा है तो आप एंटीप्लेटलेट्स ड्रग नहीं ले सकते, मतलब आप क्लोपीडो ग्रेल नहीं ले सकते हैं, आप एनएसएआईडी की लाइक ड्रग नहीं ले सकते, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नहीं ले सकते हैं, जैसे ब्रूफेन हुआ, नेप्रोक्सपेन हुआ। और आप ब्लड थिनर की मेडिसिन जो मतलब क्लाटिंग करती हैं दवाइयां, जैसे एस्प्रिन वगैरह है, आप नहीं ले सकते, वारफरीन है नहीं ले सकते हैं, और रिफम्पिसिन टैबलेट नहीं ले सकते हैं जो टीबी में चलाई जाती है, कीटोकोनाजोल नहीं ले सकते जो एंटीफंगल चलाई जाती है। तो ये हुआ इसका ड्रग इंटरेक्शन, मतलब हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का ड्रग इंटरेक्शन ये है। अब आपको बताऊं कि कंट्रा इंडिकेशन इसका क्या होगा, मतलब अगर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन चल रहा है तो आप मतलब किस मर्ज में, कौन से रोग में, किस प्रॉब्लम में आप हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है तो आप इस इंजेक्शन को नहीं ले सकते हैं। डायबिटिक के पेशेंट है तो आप इसका इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको मतलब ये हड्डी का रोग है तो आप इस इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते। और आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और डिप्रेशन में है तो भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेकैल्शियम और पोटेशियम की ब्लड में कमी हो आपके बॉडी में तो भी इस इंजेक्शन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में कंट्रा इंडिकेशन। और आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर। दवा से संबंधित किसी भी तरह की दवा के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि क्या यूज होता है इसका, इसका कब कहां कैसे इसका यूज होता है, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो अगर किसी दवा के बारे में ये सारी डिटेल आपको जाननी है तो आप मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवाघर के कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका आंसर मैं देखने के बाद दूंगा। धन्यवाद। मेरा चैनल, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। धन्यवाद। जय हिंद।